Yo fam, what's poppin? वैसे आपस की बात है, मुझे खुद हैरानी हो रही है इतनी कंसिस्टेंसी। So guys, today's video has been asked for वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए। So I'm gonna be doing a little bit of home workout। मेरे पास कुछ डंबल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, एक पीछे बेंच भी पड़ा हुआ है। वर्कआउट करते हैं, फिर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। और आज मेरे साथ वर्कआउट करने वाले हैं मिस्टर एएमटी। यू ऑलरेडी नो ब्रो। सब वो होते हैं कंबाइन बेटा, रुकता है टाइम खत्म होते नहीं, रैंक बीट पे करता क्राइम, अगर लिखे रोज बेशक होता क्वारंटाइन। बिफोर एनीथिंग हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मी, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप प्लीज प्लीज, थोड़ा सा सब्सक्राइब है, और घंटा दबाना ना भूलना। लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। चलो मोमिन, शीशे में देखना बंद करो, अभी हमारे पुशअप्स हो गए, हम ये करने लगे। चलो मोमिन, मेरी हाइट छोटी है। कैसे यार प्लेयर, वर्कआउट बहुत ही हैवी वर्कआउट था। और अब हम बात करते हैं कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए। यार प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग नहीं करें तो कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं। पहली चीज होती है ब्लैक कॉफी। यार काफी ज्यादा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें कैफीन मौजूद होती है। कैफीन क्या करती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज करती है, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर एनर्जी, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस। मैं खुद आजकल ब्लैक कॉफी पर लगा हूं, 5 से 10 मिनट पहले आप पिए, उसके बाद आप जब जिम जाएंगे या आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो आपको खुद आपकी एंड्योरेंस ज्यादा फील होगी, फोकस आपका ज्यादा, माइंड मसल कनेक्शन ज्यादा। तो ब्लैक कॉफी एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें नेचुरली मिल जाती है। दूसरी चीज होती है ओट्स। जितनी भी मैंने डाइट की वीडियोस बनाई है उसमें ओट्स के बारे में मैंने जरूर बताया। ओट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ज्यादा देर तक एनर्जी देने वाली चीज होती है वो। तो अगर आप 1 घंटा पहले या 45 मिनट्स पहले, जिस तरह की आपकी डाइजेशन है, अगर तेज है तो 45 मिनट्स पहले ले लें, स्लो है 1 घंटा पहले ले लो, दूध में बना के खा लो या पानी में आई प्रेफर, क्योंकि जिम से पहले आप फुल बेली लेके जिम नहीं जाना चाहिए कभी भी। ओट्स से ये है कि जो थकते हो एग्जॉस्टन होती है वो कम होगी आपकी। तीसरी चीज होती है केले, बनाना जो ये है। तीसरी चीज होती है 2 से 3 केले, इंस्टेंट एनर्जी। ये बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक्स की तरह इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको प्री वर्कआउट मील में, बहुत जबरदस्त चीज है 2 से 3 केले खाना। नेचुरल शुगर होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होती है, अल्टीमेटली वो आपको एक बूस्ट देती है आपकी एनर्जी में। तो तीसरी चीज हो गई 2 से 3 बनानास। चौथी चीज होती है 1 एप्पल। आपने वो तो चीज सुनी होगी बचपन से, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन आपने कभी ये सुना है एन एप्पल अ डे कीप्स द एग्जॉस्टन अवे? मुझे मार यार। एप्पल आपकी जो वर्कआउट करते हुए मसल सोरनेस होती है, आपको एग्जॉस्टन होती है, वो नहीं होने देता, कि एप्पल की न्यूट्रिशनल वैल्यू इस तरह की है, उसमें भी नेचुरल शुगर्स होती हैं। चौथी चीज होती है 1 एप्पल। पांचवी चीज होती है जो कि आपको थोड़ी बहुत वियर्ड सी लग सकती है, पीनट बटर सैंडविच, ब्रेड और उसके ऊपर पीनट बटर लगा के। पीनट बटर से आपको मिलता है प्रोटीन, और जो ब्रेड होती है उससे आपको मिल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे आपका वर्कआउट फ्यूल होता है, आपका बहुत इंटेंस वर्कआउट हो सकता है अगर आप पीनट बटर सैंडविच प्री वर्कआउट में ले लें। तो टोटल मैंने आपको 5 चीजें बताई है प्री वर्कआउट के लिए। पहली है ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, दूसरी है ओट्स यानी दलिया, तीसरी है 2 से 3 बनाना, चौथी चीज हो गई 1 एप्पल, पांचवी चीज हो गई पीनट बटर सैंडविच। अब चलते हैं हम पोस्ट वर्कआउट की तरफ। पोस्ट वर्कआउट पे ऑलमोस्ट वी ऑल नो के प्रोटीन चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। 30 से 45 मिनट्स के दरमियान हमें कुछ ना कुछ प्रोटीन वाला कंज्यूम करना चाहिए। वर्कआउट करते हैं, प्रोटीन मसल ब्रेक डाउन होता है हमारे मसल में, यानी कि उस ब्रेक डाउन को रिकवर करने के लिए, उसको वापस रिपेयर करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है उसमें फास्ट ट्विच फाइबर यूज होता है, यानी कि वो आपका फाइबर बड़ा होता है मसल का, उसको उधर ही स्टे करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। न्यू मसल टिश्यूज आपके बिल्ड होते हैं जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं फॉरन वर्कआउट के बाद। तो खैर गाइस, आसान जुबान में जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हमारा पंप आता है, हमारे फाइबर जो है वो बड़े होते हैं, हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है, और उसकी रिकवरी के लिए, मसल को बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन फॉरन कंज्यूम करना चाहिए। उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, सबसे पहली चीज प्रोटीन शेक, जो कि अभी हमने खत्म की है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो होममेड प्रोटीन शेक्स बना सकते हैं, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा अगर आपको होममेड प्रोटीन शेक बनाने का तरीका चाहिए, मैंने पहले भी वीडियो में दिया हुआ है। चिकन
सकते हैं, एग्स हो सकते हैं, बीफ हो सकता है, अगर आप बीफ नहीं खाते तो मटन खा सकते हो। इन चार पांच चीजों से आपको प्रोटीन मिल सकता है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यही होती है लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करो, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी होता है, तो आपकी बॉडी को ज्यादा जल्दी जाकर प्रोटीन लग सकता है अगर आप लिक्विड फॉर्म में उसको कंज्यूम करो। दूसरी चीज हो सकती है यार बनाना मिल्क शेक, 3 से 4 केले लो, थोड़ा सा दूध डालो, पी जाओ। बनाना मिल्क शेक अभी मैंने आपको पहले भी बताया उसे क्या क्या फायदे हैं। तीसरी चीज हो सकती है एप्पल मिल्क शेक। ज्यादा बेहतर तो ये है कि नंबर 1 ऑप्शन जो है प्रोटीन शेक्स वाली या फिर प्रोटीन कंज्यूम करने वाली वो चीज लो। अगर आपके पास वो चीज अवेलेबल ना हो तो बनाना मिल्क शेक या एप्पल मिल्क शेक ले सकते हो। तो पोस्ट वर्कआउट में आपको 3 चीजें बताई हैं। पहली होती है प्रोटीन्स जो कि चिकन, एग्स, बीफ, मटन, इन चीजों से मिल सकती है। दूसरी चीज होती है बनाना मिल्क शेक और तीसरी चीज है एप्पल मिल्क शेक। गाइस दैट्स द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी जरूर दबाना, और ठीक है बस इतनी सी वीडियो थी। भाई क्या मतलब भाई, मेरे चैनल का शाउट आउट नहीं देना आपने? सॉरी यार, ये कमलेश AMT, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको भी जाके फॉलो करें। हमारे गाने भी आ रहे हैं, ईद पे हम एक सॉन्ग रिलीज कर रहे होंगे। सो गाइस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।